तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेकेंड पार्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इससे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से जो बाहर दी गई चीजें हैं, जैसे कि हाइलाइट्स, टॉप बॉटम, डेटा बार, प्लस की आइकन, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट्स है, इनके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। अब बात करेंगे इसमें कुछ हिडन छुपी हुई चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन कंडीशंस है, इसमें कुछ कंडीशन मिसिंग है, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे कंडीशन जो है वो मिसिंग है। तो ऐसे कंडीशन को कैसे ठीक, ऐसे कंडीशन को कहां से लाएंगे, ये हम आज इसकी आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक लोग नहीं आ रहे हैं, तो यहां आपको जो मोर रूल्स दिख रहा है, हम इसी मोर रूल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मोर रूल्स, चलिए मोर रूल्स पे चलते हैं। मोर रूल्स में यहां फॉर्मल कंटेंट पे आएंगे, तो यहां पे कई सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो इसको लगाएंगे कैसे, चलिए लगाना भी आपको बता देता हूं। यहां पे आप सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने डज नॉट इक्वल टू, यहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को हमने सिलेक्ट किया, अपना कंडीशन दिया और यहां से हम अपनी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें और भी है, जैसे कि ये तो आपके रिजल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे हमारे पास आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमारा कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने, याद हो आपको कि मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं डज द टेक्स्ट दैट कंटेन, ये तो दस इक्वल करता है। इसमें हमारे पास एक आता है न्यू रूल्स में, अगर जाते हैं यहाँ पे इसमें टेक्स्ट में, तो यहाँ पे कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग की बात होती है। इसमें देखिए विगन भी, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई जो यहाँ पे ए लेटर से स्टार्ट है उसको हाईलाइट कर लो, जिसका भी नाम के आगे ए लगा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, एंड भी लास्ट में जो है उसको हाईलाइट कर देते, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो डेट के डेट ऑग्री वही है, ब्लैंक, नो ब्लैंक वही है, एरर्स, एरर्स में हम एक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, मान लीजिए छोटा सा डेटा, आप लोग वी लुकअप वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या है,
कि कहीं कहीं पे रिजल्ट है और कहीं कहीं पे हमारा खाली है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जो हमारा एरर है उसको हाइड कर दे। तो इसको हाइड करने के लिए फॉर्मूले वगैरह तो होते ही है, उसका इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए कर सकता हूँ। तो यहाँ न्यू रूल्स या और यहाँ पे हमारे पास आता है एरर, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, फिल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, इसकी जो फॉन्ट कलर है इसकी फॉन्ट कलर को मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो हमने फोर कलर को भी व्हाइट कर दिया एंड ओके कर दिया एंड ओके। ठीक है, तो इसमें डिलीट नहीं किया, क्यों? क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है कि कोई भी जो आपका ये है फॉर्मेटिंग है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, आपकी ओरिजिनल सेल्स को नहीं, ओरिजिनल वैल्यू को आपका चेंज नहीं करती है, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज नहीं करती है, जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करती है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करती है। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसकी कलर व्हाइट हो गया, मतलब कि बैकग्राउंड इसका व्हाइट है तो इसका फोरग्राउंड भी व्हाइट हो गया, तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं। तो इसी चीज को हमने यूज किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात अभी तक जो हमने बताया कि जहां हमने सेलेक्ट किया, जिस जगह को हमने सेलेक्ट किया उसी जगह पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। कि मैं चाहता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन किसी और सेल से लगी और हाईलाइट कहीं और से लगे। जैसे मान लो कि मैं क्वार्टर को हाईलाइट करना चाहता हूं, कब? जब अमाउंट का 10% इज ग्रेटर देन 5000 या 4000, 4000 मान लीजिए, ग्रेटर देन 4000, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि इसके और कोई कंडीशन तो है नहीं, तो न्यू रूल्स में हम जाएंगे, यूज फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यूज फॉर्मूला अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन से सिंगल सेल होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है उसमें हमने सिलेक्शन पूरा का पूरा कॉलम दे दिया था, बट यहां पे पूरा का पूरा कॉलम नहीं होना चाहिए। तो यहां हम इसको क्लिक करते हैं और यहां कि इसका 10% इज ग्रेटर देन और फिर इसमें हमने अपनी फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ यहाँ देखिए जो अलर्ट है इसमें क्या है, M2 और M के आगे भी डॉलर लगा है, 2 के आगे भी डॉलर लगा है। अब 2 के आगे डॉलर लगा दिया तो क्या हो गया, अब M2 ही के अकॉर्डिंग सबको करेगा। मतलब कि मैं चाहता हूं भाई नीचे जब ड्रैग करूं क्वार्टर 2 पे तो M3, M4 ऐसे इंक्रीज हो, तो ऐसे इंक्रीज करने के लिए हमें डॉलर साइन को हटाना होगा। अगर डॉलर साइन लगा है तो फिर इंक्रीज नहीं होगा, तो डॉलर साइन को मैंने यहां से हटा दिया। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से, अब M के आगे लगा हुआ था तो फॉर्मेट प्रिंटर से क्या करें कि पूरे एरिया को मैं पेंट कर देता हूं। तो जहां जहां आपका अमाउंट का 10% ग्रेटर देन 4000 है वहां वहां आप देखेंगे कलर हो गया। समझ में आया सर? उदय जी हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया मुझे। अब
अब चलिए कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डालता हूं। अब अकाउंट नंबर मैं डाला, मैं चाहता हूं इसमें कोई भी टेक्स्ट एंट्री ना करे। अगर टेक्स्ट एंट्री करे तो हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले मुझे पता करना होगा फॉर्मूला कि किसी सेल में अगर टेक्स्ट की एंट्री है तो कैसे पता चले। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट। अगर इसको सिलेक्ट किया तो एक कलर्ड हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा। अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, फॉल्स होगा। टेक्स्ट नहीं हुआ तो टेक्स्ट हुआ तो ट्रू हो जाएगा। और आपका कंडीशनल कन्वर्टिंग ट्रू फॉल्स के ऊपर ही कलर करता है, ट्रू पे ही कलर करता है, फॉल्स पे नहीं करता। ठीक है, प्लीज म्यूट कर ले, शोर आ रहा है। तो यहां पे हम इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट किए और हमने बोला कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है और बाय डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स भी चलता है। और इसको हमने कलर कर दिया, ये रहा। अब इसमें कोई भी हम देंगे तो हो जाएगा, आपका हो जाएगा। नंबर आएगा ठीक है, टेक्स्ट लिखते हलर कलर हो जाएगा। कुछ तरह से मोबाइल नंबर में लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट से ज्यादा या कम हुआ तो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हमने सिंगल सेल सिलेक्ट किया और न्यू रूल्स पे गया, यूज फॉर्मूला। अब यहां पे जैसे कि मैंने यहां पे लगाया आपके लेन। लेन क्या करता है कि सेल के अंदर कितना लेंथ है वो बताता है। तो मैंने यहां लिखा नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि 10 डिजिट के बराबर, 10 डिजिट के छोटा या 10 डिजिट से बड़ा हो तो ये हाईलाइट नहीं करे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैंक को भी हाईलाइट कर दे। क्यों? क्योंकि ब्लैंक पे जब लेन का फॉर्मूला लगेगा तो 0 आएगा और 0 इज नॉट इक्वल टू 10। तो यहां पे मुझे दो कंडीशन देने हैं कि लेंथ F2 जो है ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 ताकि कोई नंबर टाइप करे तो कलर करे, ब्लैंक को कलर करके ना रखे। तो दो कलर देने के लिए हमें दो कंडीशन देने के लिए एंड या और का इस्तेमाल करते हैं। एंड का इस्तेमाल करते हैं जब कलर रिक्वायर हो, ऑप्शनल ना हो। जैसे यहां रिक्वायर भाई नॉट इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो यहां पे हम एंड का फॉर्मूला लगाएं। जब दो कंडीशन होगा तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड ओके, फॉर्मेट एड्रेस से नीचे पेंट कर देते हैं। अब इसमें जैसे नंबर कम डालेंगे हाईलाइट कर देगा, और नंबर ज्यादा डालेंगे, करेक्ट नंबर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने एक डेट का लिया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे कि नेम और यहाँ पे हमने डेट दे दिया, जैसे कि मार्च का दे दिया। और इसके ऊपर हमने टेक्स्ट फॉर्मूला मतलब कि कस्टम फॉर्मेटिंग के मेथड को यहाँ लगाया DDD, तो सैटरडे एंड संडे मुझे मिल गया। अब मुझे सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहां हम जाते हैं यूज। अब यहां पे दो कंडीशन है, खाए सैटरडे या संडे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, यहां ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां हम दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज करेंगे और का फॉर्मूला, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि क्या इक्वल टू सैटरडे है, कॉमा फिर इसको सिलेक्ट किया कि क्या इक्वल टू संडे है। और फिर हम यहां पे क्या है बी के आगे का डॉलर हटाएं, क्योंकि यहां रो हमारा 21 फिक्स है बट कॉलम चेंज होगा, तो बी के आगे का डॉलर हम यहां से हटा देते हैं। और फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे आके पेंट कर देते हैं। और फिर इसको ओके करते हैं। फिर यहां फॉर्मेट पेंटर यहां से उठाया और इसको जहां तक है डेटा वहां तक आप इसको पेंट कर, तो सैटरडे एंड संडे वाला एरिया आपका हाईलाइटेड हो गया।
उदय जी, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। अब एक और बात होती है, क्या हर बार मुझे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा? जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स, मैं यहां दे देता हूं, अब मैं चाहता हूं कि यहां हम सर्च लिखें, तो यहां पे से मैं लिखा 50 लिखा, तो ये इस सेल में जहां जहां 50 है वहां वहां हाईलाइट कर। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम ये लगाए, हम यहां डायरेक्ट लगा सकते हैं इक्वल। अब यहां पे जैसे कि हमने बताया था कि नंबर डालते हैं, तो नंबर की जगह पे हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। कोई फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन सेल रेफरेंस दे सकते। हाईलाइट हो गया, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है सर कि अभी तक हमने फॉर्मूले को नहीं पढ़ा हुआ, तो आगे की जो एग्जाम्पल है उसके लिए उसको हम छोड़ देते हैं, जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है? देखिए, आपको जितना फॉर्मूला आता है उतने फॉर्मूले पे आप इसकी प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, ठीक है? फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड, हम आपको बताएंगे कि हाउ कैन प्रोटेक्ट द सी कैन सेल। क्लियर है सर? कोई डाउट की क्वेश्चन है आप लोगों के पास? नो सर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए।